भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक एक करके अत्याचार किए हैं, अधिकांश दुराचारियों को समर्थन प्रदान किया है, राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ बने थे। भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, या उन भगोड़ों की बात हो जिनको समर्थन से भगाने का काम किया सरकार ने, तो राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ हैं। भगवा रंग भाजपा ही कैसे हो गया? भगवा रंग तो भगवान का था, भगवान का रंग चुरा के भाजपा ही उन्होंने ले लिया, तो आपने उसको भाजपा भाजपा का रंग बता दिया जाए। भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस कलर को रंगा नहीं है और ना ही उनका नाम है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 9 साल पहले आपने पुलवामा पे हादसा हुआ था, वो हुआ नहीं था, आपने करवाया था। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व MLC दीपक सिंह मौजूद हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेसियों ने देश भर में आह्वान करा था सत्याग्रह का, तो उसको देखते हुए तमाम जो कांग्रेसी यहाँ ज़मीन पे उतरे हैं, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा का इलेक्शन है और तमाम ऐसे BJP के भी नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, वो साबित भी हो गया उनका जुर्म, लेकिन उनके ऊपर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये देश कभी भी अत्याचारियों को 5 साल से ज़्यादा माफ़ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक एक करके अत्याचार किए हैं, अधिकांश दुराचारियों को समर्थन प्रदान किया है, राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ बने थे। भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, या उन भगोड़ों की बात हो जिनको समर्थन से भगाने का काम किया सरकार ने, तो राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ हैं। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इतने डिस्क्वालीफाई किया गया। ये तमाम कांग्रेसी इस बात के लेकर इकट्ठा हुए हैं कि हम राहुल गांधी के स्वर में स्वर मिलाएंगे। जिस एक आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा सरकार ने साजिश रची, उनको लाखों स्वर करोड़ों स्वर मिलेंगे, इसके लिए खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी चार्जशीट लगाएगी, वो चार्जशीट कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही ट्रैक पे बहुत सारे पोस्टर लगाए थे, कल भी लगाए थे वोट मांगने के लिए, आज भी पोस्टर लगा रहे हैं अपने पाप छुपाने के लिए, वो सारे पोस्टर के उलट भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, 2024 में इस अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार को हटाने का काम करेगी। जिस सरकार ने अंग्रेज़ों की तरह काम किया है, इसी तरह से अंग्रेज़ों ने भी कांग्रेस के नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम किया था, तब भी हमारा हथियार सत्याग्रह था, आज भी हमारा हथियार सत्याग्रह है। आप महागठबंधन के सबसे प्रमुख पार्टियों में हैं, और अगर बात करें तो दूसरी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भी इस तरीके के आरोप हैं, उनको भी सज़ा हो गई है, और क्यों नहीं सब तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आके उन नेताओं के लिए खड़ी होती हैं जिनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नफरत फैलाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मोहब्बत का पैगाम है। मोहब्बत के पैगाम के साथ खड़े तमाम दल आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हैं। कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में मिली जुली सरकारें हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। कई सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनी सरकार को ऑपरेशन लूट के तहत हटाया गया है, वहाँ भी हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम करेगा। तो तमाम जगह पर हैं ये उन देश के उन पार्टी जो अभी तक हमारे गठबंधन में नहीं आई हैं, उनको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की घोषित इमरजेंसी वाली सरकार के साथ खड़े हैं या मोहब्बत का पैगाम देने वाले नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। दीपक जी, आखिरी सवाल, आपने लूट का नाम लिया, अभी BJP ने पोस्टर जारी करा है जिसमें लिखा है कि अमृत काल चल रहा है और आपके काल को दिखाया है कि लूट काल। कौन सा अमृत काल? ब्रजभूषण शरण सिंह का अमृत काल, हज़ारों किसानों की हत्या वाला अमृत काल, देश जो अभी तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी से गुजर रहा है उसका अमृतकाल, या देश अभी तक जो सबसे बड़ी महंगाई के दौर से गुजर रहा है उसका अमृतकाल? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी समर्थित उन भगोड़ों का, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उन उद्योगपतियों का अमृतकाल हो, कि अमृतकाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों के लिए है। पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के जहर के खिलाफ, नफरत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का मोहब्बत का पैगाम है, उन पुराने दिनों का जब सस्ते तेल थे, रोज़गार के अवसर थे, नफरत का माहौल नहीं था, हर किसी को खड़े होकर अपनी बात को कहने का हक था, तो अमृतकाल उसे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नफरत काल चल रहा है, विषकाल चल रहा है, तो ये उनके हर पोस्टर उनको मुबारक हों जो पहले उन्होंने लगाए थे चुनाव के पहले या आज लगाए हैं, वो सारे पोस्टर उन्हीं के लिए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व MLC दीपक सिंह मौजूद थे और तमाम जो कांग्रेसी है आज लखनऊ के शहीद स्मारक में उतर के अपनी आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे
जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, वो खुद यहाँ आए हैं और भगवा गमछा और टीका लगा के आए हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो भगवा है वो भाजपा ही है। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया है कि ये जो भगवा रंग है किस भाजपाई ने उत्पन्न किया है। काश मुझे पता चल जाए तो मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवा रंग भाजपाई कैसे हो गया। भगवा रंग तो भगवान का था, भगवान का रंग चुरा के भाजपाइयों ने ले लिया, तो आपने उसको भाजपा भाजपा का रंग बता दिया जाए। भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने इस कलर को रंगा नहीं है और ना ही उनका नाम है। ठीक है, आज राहुल गांधी के समर्थन में आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या नतीजा निकलेगा इस? नतीजा 2024 में साफ निकल के आएगा। राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक बात बता दूं, जो आप लोग बार बार अमृतकाल की बात करते रहते हैं, क्या अमृतकाल में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उसे अमृतकाल कहते हैं? अगर इसे आप अमृतकाल कहते हैं तो अपने घर में ही अमृतकाल मना लें, और भाजपाइयों को अमृतकाल अपने ही यहाँ मनाना चाहिए। और एक बात बता दूँ, 40 नौजवान वीर शहीद हुए थे पुलवामा पे 9 साल पहले, अभी तक उनकी पत्नियां विधवा जो हो गई, उनके अनाथ बच्चे जो हो गए, उनकी माता जिनका कोई सहारा नहीं हुआ। मुझे केवल इतना ये सरकार बता दे बीजेपी की कि जो 40 पुलवामा में शहीद हुए थे जवान, उन शहीदों के परिवार वालों को आपने कौन सी फैसिलिटी दी है? मुझे ये बताओ कि उनकी पत्नियों की क्या व्यवस्था की, उनके बच्चों की क्या व्यवस्था की, और क्या व्यवस्था तुमने उनकी माता की है? और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 9 साल पहले आपने पुलवामा पे हादसा हुआ था, वो हुआ नहीं था, आपने करवाया था, और आपको आधा घंटे के बाद ही पता चल गया था कि ये आपके 5 हेलीकॉप्टर ना देने का नतीजा है। पर आरोप लगा रहे हैं अब, आपने कहा है वो करवाया गया था, हादसा हुआ नहीं था, वो हादसा करवाया गया था, ये बड़ा आरोप। मैं क्या पूरी दुनिया जान रही है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये पूरी भारत जानना है। और जैसे ही वो हादसा हुआ था, उसके आधा घंटे के बाद उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहा कि अभी तुम्हें इस बात पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात, जैसे ही वो लोग पुलवामा में हादसा हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनकी चल रही है सारी व्यवस्था, और किसने किया है उसको मैं जल्द से जल्द सामने भी लाऊंगा। उनको उसी वक्त 2 दिन बाद में ही पता चल गया था कि किसने कराया है, कौन इसका हस्ताक्षेप है। 8-9 साल हो गए हैं और इतने शहीद उसके बाद भी शहीद हो गए हैं। उनके घर में जो फैसिलिटी देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दिया। UCC पर इतना जोर कर रहे हो, अगर आप बेरोजगारी पर इतना ध्यान देते, अगर आप भ्रष्टाचार पर इतना ध्यान देते, अभी 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हमारे नरेंद्र मोदी प्रधान जी पकड़े थे वहाँ महाराष्ट्र में, पर जैसे ही वो लोग उनकी तरफ आ गए तो वो एकदम स्वच्छ हो गए और उनकी पार्टी बढ़िया हो गई। ये कैसी राजनीति गंदी कर रहे हो, ये तो दोगली राजनीति है, गंदी राजनीति है, बदतमीजी की राजनीति है। मगर इसका नतीजा आपको 24 में देना पड़ेगा। अगर आपने EVM का घपला नहीं किया तो, अगर आपने EVM का घपला किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बेईमानी तेरा सहारा ही है केवल, तो तुम लोग जीत ही जाओगे। और अगर EVM से चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 2024 में प्रधानमंत्री बनकर राहुल गांधी जी सामने आएंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? कृष्ण मुरारी शर्मा, जिला सीतापुर से, कांग्रेस महासचिव। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं उबैदुल्ला नासिर। उबैदुल्ला साहब, फिर से कांग्रेस बहुत दिनों बाद ज़मीन पे उतरी है। सवाल ये उठता है, जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी है और तमाम ऐसी पार्टियाँ हैं जिनके बड़े नेताओं को जेल में बंद कर रखा है, लेकिन उनके ऊपर जो मुकदमे हैं कहीं ना कहीं पार्टी समर्थन करती है उनका कि वो झूठे मुकदमे हैं, तो क्यों नहीं एक साथ एक महागठबंधन के तहत एक साथ ज़मीन पर उतर के उन नेताओं के लिए एक प्रोटेस्ट करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल सही आइडिया है आपका, और हो भी रहा है। देखिए, अभी जैसे ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, खड़गे जी ने साफ कह दिया कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा हम डिसाइड करेंगे कि हम उस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करना या नहीं करना। और जहाँ तक कांग्रेस के ज़मीन से पे उतरने की बात है, तो कांग्रेस हमेशा ज़मीन पर रही। आप अगर देखिए पिछले 10 सालों से, अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किसी ने किया है, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर उतर कर लड़ाई किसी ने की है, सबसे ज़्यादा जन मुद्दों को अगर किसी ने उठाया तो कांग्रेस ने उठाया है। और ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी है, उस वक्त तक जारी है जब तक हम इस सांप्रदायिक फासिस्ट सरकार को हटा नहीं लेंगे। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो ये मौन सत्याग्रह है, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, 2 साल की सज़ा हुई, सदस्यता चली गई, घर छीन गया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर अजय मिश्रा टेनी है, दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह है, उनके जुर्म साबित हो गए लेकिन कार्रवाई नहीं। यही तो सत्ता का दुरुपयोग, यही तो है सत्ता का दुरुपयोग, यही है फांसीवाद, यही है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, यही है कानून के साथ खिलवाड़, यही है असंवैधानिकता, यही है, यही तो सब देखा है पब्लिक, यही सब तो देख रही है, यही सब इनके एंड का जो है, इनकी समाप्ति का जो कारण बनेंगे, यही सब जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जगहों से आज जो है कांग्रेसी इकट्ठा हैं, पूरे देश में आह्वान करा था मौन सत्याग्रह का, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ के शहीद स्मारक में आज प्रदेश भर से कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं, राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो भाजपा उनके ऊपर कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है, उनको टारगेट कर रही है, लेकिन इसका जो जवाब है जनता 2024 में देगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिम राज खान, लखनऊ।